हाँ भाई, तो ये फाइनल हो गया, कोई भी अपनी बीबी को इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन होगा? बबीता जी? यार लाल, बबीता नहीं हो सकती, माधवी भाभी। नहीं नहीं, टीका चले इकड़े येईल। मुझे लगता है हाथी भाई को ढूंढते ढूंढते कोमल भाभी आ गई होगी। हाँ, कोमल? कोमल क्यों, अंजलि भाभी भी हो सकती हैं। अंजलि? अंजलि नहीं नहीं, अंजलि यहाँ कैसे आएगी? अंजलि तो यहाँ आ ही नहीं सकती ना। तो रोशन भाभी। हाँ जेठा भरा, छह टिकट ही कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्यों? रोशन जो आ गई है यार। अरे दरवाजा खोलो। ओ ये तो अपनी पोपट भाभी है। मैंने कहा ना अंजलि नहीं आ सकती इधर। इस बुड़बक ने तो जान निकाल दी। हम भी पोपट की जान निकालते। मतलब उसे थोड़ा फड़फड़ाते हैं, उसकी टेर खींचते हैं। और करेक्ट है ही, हम उसको ऐसा कहेंगे कि उसकी टिकट ही बुक नहीं हुई। Right, और कल सुबह उसे टिकट देके उसे सरप्राइज देते। करेक्ट है, बहुत बढ़िया प्लान है। चाचा सोडी, खोल 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 दरवाजा, खोल। पकड़ा बना के लाता हूँ। मजा आएगा अब। अरे सोडी, आज सोडा शॉप पे कोई नहीं है। अब्दुल ने बताया कि तुम सब लोग यहाँ पर हो, दरवाजा बंद करके यहाँ क्या कर रहे हो? ओए पार्टी में जाने की खास तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? This is the party, Mr. बुड़बक लाल। लाउला डांस? अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी अखबार में पढ़ा था। मैं आप लोगों को बोलने ही वाला था कि ये पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो जा ही रहे हैं। हाँ भाई, कल बहुत मजा आएगा, कमाल हो जाएगा भाई कल तो। पप्पू, इतने सारे पड़े हैं, कोई भी स्टूल उठा ले। एक मिनट, ये पकड़। हाँ आराम से बैठ भाई। पकड़ पकड़ पकड़। अरे मैं क्या कह रहा था दोस्तों, एक्चुअली है ना, एक मिनट भाई, कल बहुत मजा आने वाला है। अरे दोस्तों, मैंने इस लाउला डांस के बारे में बहुत सुना है। बहुत जबरदस्त होता है ये डांस, बड़ा मजा आएगा। पोपटलाल, हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग में तुम शामिल नहीं हो। क्यों? अरे क्यों क्या, तुमने कब कहा कि तुम्हें भी जाना है उलाला डांस में? अरे मुझे कहाँ पता था कि आप लोग जाने वाले हो। लेकिन पोपटलाल, अगर पता होता भी ना तब भी तुम नहीं आते। क्यों? अरे 2500 रुपये टिकट है भाई। तो अब मोबाइल में 50-50 रुपये का रिचार्ज करवाते हो और 2500 बोला तो देखिए, अब मोबाइल मेरी व्यक्तिगत समस्या, लेकिन ये कला की बात है और कला को बढ़ावा देना हमारा फर्ज है, और वो भी यूरोपियन कला। वाह, लगता है ये सच्चे कला का सच्चा कद्रदान है। सॉरी मिस्टर पोपटलाल, प्रोग्राम हाउसफुल हो चुका है, तो अब यूरोपियन कला को बढ़ावा आप फिर कभी देना। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? पप्पू अला, देखिए आप लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? काश ये मजाक होता पोपटलाल, लेकिन ये मजाक नहीं है पोपटलाल। हम सब लोगों के टिकट तो आ गए, हम अगली बार कभी जाएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? अभी तो चले भाई, तैयारी बहुत करनी है कल की। हाँ चलो भाई। पड़ेगा। अच्छा, मुझे छोड़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूं। हेलो दया भाभी। हाँ, वही पोपट भाई। आपको जेठालाल के कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ पता? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मुझे पता ही था कि आपको नहीं पता होगा, वरना आप ऐसे प्रोग्राम के लिए कभी इजाजत नहीं देती। इजाजत? आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? अरे दया भाभी, कल जेठालाल और
और जाओ मुझे अकेला छोड़कर पार्टी में। क्या बोल रहे थे पोपटलाल? कला को बढ़ावा फिर कभी देना। दोस्तों अब तुम सब पार्टी में फिर कभी जाना। उलाला 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 उलाला। अरे अंजलि। तारक कल रात को आप कुछ कर रहे हैं? कल रात को मैं कुछ भी नहीं। चलो बहुत अच्छा हुआ, मेरी कजिन शिल्पा उसने कल रात को डिनर का प्रोग्राम रखा है। ओ, याद आया। नहीं नहीं कल रात को तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों, कल रात का प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता है? मुझे मूवी के लिए जाना है, मतलब जाना है, दैट्स इट। बबीता कल मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है आप? वो क्या, कल मेरे को एक दोस्त के घर पर जाना है। मुझे उस पेशेंट का नाम बताओ जिसके घर तुम कल जाने वाले हो। कोमल तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं कोमल, तुम मेरा दिल तोड़ने की बात कर रही हो। सॉरी नहीं कहूंगी, भले ही तुम्हारा दिल टूट जाए पर मुझे जानना ही है कि तुम्हारा वो पेशेंट इंडियन है या यूरोपियन। इंडियन, इंडियन है। इंडियन? अच्छा, डांसर तो नहीं है ना? हाँ, मतलब इसे पता चल गया? ओ, पता चल गया। लाजनी भट्ट, एक शिक्षक होकर ऐसा डांस देखने जाओगे? माधवी। काय माधवी, एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी, एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी, काय माधवी, आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। अरे बस, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तू चाहती है ना मुझे पनिशमेंट मिले, ले पनिशमेंट शुरू हो गई। पनिशमेंट क्या है वो मैं डिसाइड करूंगी। ओके सोनिया, मुझे जो पनिशमेंट देना है तू दे दे, पर यार नाराज मत हो। नाराज नहीं, अभी नाचो, जाओ उन यूरोपियन लड़कियों का नाच देखने जाओ। ओके गल कर रही है सोनिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ जाओ यूरोपियन थीम डांस देखने, करो पार्टी शटी। ओ सोनिया, पर यूरोपियन पार्टी तो कल है। पार्टी तो कल है लेकिन तुम आज अभी इसी वक्त घर से बाहर जाओगे, समझे? ठीक है, तेरी खुशी इसी में है ना कि मैं घर से चला जाऊं? मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा। अरे मैं नाराज ना हूं तो क्या करूं, गरबा खेलूं? अरे भैया ना लीला चमके दरबा, जिन्हें प्रेम ने वासरी ना सुर, समी सांझनी हवानी जैम अंतर मा सोसरवा उतरी जता होए, मन नो मोर लियो ढोल नो ढबुक तो धम ढमाट सर्जन हार ढोली डो, જ્યારે આ દિલ ભાંગે ને ત્યારે દુકાળમાં પડેલા ખેતરના ચોસલાની જેમ દિલના ટુકડે ટુકડા થઈ જાય, સમજ્યા વીર ઢોલીડા? દયા તું ઇતના કુછ બોલી લેકિન અભી ભી મેરી સમજ મે યે નહીં આ રહા હૈ કે તું मुझसे नाराज क्यों है? अरे आपने क्या क्या तू सीधा सीधा बोलना, मैं क्या बोलना चाह रही है? सुबह आपने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सपने दिखाए थे? घर में हम तुम तुम हम तुम अकेले अकेले, तो आओ ढोकला ढोकला खेले खेले अकेले अकेले। मैं पति के प्रेम के पुजारी, आपकी खुशी के लिए ये अम्मोड़ा छोड़ के मस्त चोटला बांध के तैयार हुई, आपका पसंदीदा खाना बनाया, और आप ये देसी सुंदरी को छोड़कर विदेशी मांदरी का डांस देखने जा रहे हो? किसने बताया मैं डांस देखने जा रहा हूँ? जिसने भी बताया हो, आप मुझे ये बताइए कि आप विदेशी वांदरी का डांस देखने जा रहे हो कि नहीं? तुझे बताया किसने दया? नहीं बताऊंगी दया, तुझे मेरी कसम, कसम
वापस ले लीजिए टप्पू के पापा, क्योंकि मैं पोपट भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। मुझे पोपट भाई ने ये सब बताया। अच्छा, तो ये आग पोपट लाल ने लगाई है। मेरे साथ गद्दारी की गोकुलधाम के दोस्तों ने। आज तक हर त्योहार हर पार्टी हम साथ में मनाते आए हैं, और आज पहली बार मुझे जुदा कर दिया। आखिर क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं कंजूस हूं? नहीं, मैं कुंवारा हूं। हाँ, मैं कुंवारा हूं इसलिए, क्या मैं कुंवारा हूं तो मुझे लाउला डांस देखने का कोई अधिकार नहीं है? पापड़ लाल, पापड़ लाल, तगाबाज है, क्या किया तुमने? यार थाम थाम, इसे तो पनिशमेंट मैं दूंगा। हाथ पुड़े कर, हाथ पुड़े कर। रुक रुक भिड़े, रुक एक मिनट, ये तुम्हारा काम नहीं है भिड़े, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। ये तूने क्या किया प्रोफेसर? नेता साहब छोड़ दीजिए इसको। डॉक्टर हाथी, आपको पता है कि इसने क्या किया? मुझे पता है, फिर भी आप छोड़ देगा बोल रहे हैं? क्योंकि इस बिगड़ाल बुढ़मक के दिमाग का इलाज मैं करूंगा। नहीं हाथी भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये मेरा शिकार है। तनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं। ले एक मिनट, सॉरी एक मिनट, जेठालाल भाई ये चीटिंग है। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ। मैं इसका शिकार हूँ। ओए पप्पू, तू मेरा शिकार है। ओए पप्पू चमके, तूने मेरी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। अरे सोडी, सिर्फ तेरी मैरिड लाइफ में नहीं, हम सबकी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। आज तक कभी मेरी ऐसी बैंड नहीं बजी जैसी कोमल ने मेरी आज बैंड बजाई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बीवी तेरा रोज बैंड बजाए। जी भाई, क्या कर दिया आपने? भाई देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ श्राप दिया है। अरे लेकिन वो हिलडुल नहीं रहा है, देखो जरा। जिंदा है नाटक, नाटक करता है ना? क्या मिला तुझे हमारी पत्नियों को बताकर, क्या मिला? क्या मेरे घर पे जाके देख, रोशन तूफान बनी हुई है। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। क्या देख के आता हूँ? क्या मजाक समझ के रखा है तूने? देख के आता हूँ बोलता है। मालूम है क्या है, माँ भी मुझे बोल रही है कि बेवफा हो गया तुम। शांति रखिए। अरे मेहता साहब, इतना सब कुछ हो गया और आप शांत रहने को बोल रहे हैं? एक बस एक मिनट, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। चुगलखोर पोपटलाल, तुझे शर्म नहीं आई आग लगाते हुए? ये तूने ठीक नहीं किया। अच्छा, और आज सब लोग मुझे छोड़कर पार्टी में जा रहे थे, वो ठीक था? अरे पोपटलाल, एक मिनट, पोपटलाल आज पता चला तेरा सिर्फ शरीर छाते के तार जितना पतला नहीं, तेरा दिमाग उससे भी पतला है। सही बात है। अरे वयोवृद्ध मानसा, अरे चश्मा घत लेने घुटे मारता है तुम्हें। अरे माचा हाथ वर्ती नहीं, याचा हाथ वर्ती मार। सॉरी सॉरी, उसका आगे करो, आगे करो, आगे करो। अरे वयोवृद्ध मानसा, अरे हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, इतना भी समझ में नहीं आता? अरे पोपटलाल, टिकट के लिए हमने तुम्हें भी गिन लिया था और हम तुम्हें साथ ले जाने वाले थे। तो ऐसा हो सकता है पोपटलाल कि हम लोग सब जाए और तुम्हें साथ ना लेके जाए? मतलब आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तो मजाक कभी बोल के किया जाता है? सॉरी सॉरी दोस्तों, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से कहा होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओए पप्पू, और तेरी इस हरकत की वजह से मेरी रोशन रॉकेट बनकर मेरे पे अटैक कर रही है। ये सब ये जयनाराल का गलती है।
क्या मेरा गलती क्या यार भाई, मेरा गलती क्या? तुमने इसे कहा था पोपट लाल के साथ मजाक करते हैं। अच्छा ना ही हम लोग मजाक करते और ना ही हमारी पत्नी हमें डांटती। पता है एक शिक्षक को एक स्टूडेंट की तरह डांट पड़ी है। अरे जब मैंने मजाक करने की बात की तब तो आप सब जैसे कव्वाली चल रही हो वैसे मेरे सुर में सुर मिला रहे थे। आप पोपटलाल जी का मजाक करते हैं, पोपटलाल जी का मजाक करते हैं और अभी मेरी गलती। बिल्कुल गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखिए अभी हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें ये सोचना है कि हमें अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाना है। अरे मनाए कैसे, क्या मेहता साहब इसको ही भेजते हैं हम अपनी अपनी बीवी के पास, यही जाके बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, इसको भेजना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। इसको भेजा तो हमारी बीवियों को एक मिनट में पता चल जाएगा कि हमने धमका के भेजा इसे। ओ करेक्ट है जी। ओ यारो फिर अपनी अपनी बीवियों को मनाए कैसे। मैं क्या कहता हूँ उन्हें भी साथ ले चलते हैं। अबो अरे वहाँ पे क्या सत्यनारायण की कथा होने वाली है? अरे वहाँ पर क्या सामूहिक लग्नोत्सव है जो बीवी को लेके जाएंगे? तो फिर देख लो भाई। देख लो भाई, देख लो भाई, हमारी बैंड बजाने के बाद बोल रहा है देख लो देख। मैं तो कहता हूँ अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको हमारे साथ नहीं लेके जाएंगे। हाँ यही तुम्हारी शिक्षा है? मतलब आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सोच लो। सोच लिया, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी ना कर ली। फाइनल। बिल्कुल। एक फोन, सिर्फ एक फोन करूंगा ना तो आप सब लोग हाथ पैर जोड़ते हुए मुझसे विनती करेंगे कि पोपटलाल जी आइए हमारे साथ चलिए। सिर्फ एक फोन। किसे किसे फोन करोगे? पुलिस को? हम क्या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या क्या इलीगल कर रहे हैं हम लोग? एक ट्रेडिशनल डांस देखने जा रहे हैं, उसमें क्या गलत क्या है? ट्रेडिशनल डांस देखना कोई अपराध है? करो करो पुलिस को फोन। हम कोई डरते हैं क्या? इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर है क्या? नहीं नहीं है मेरे पास नंबर चंपक चाचा का। किसका? चंपक चाचा। मतलब तुम पुलिस को फोन नहीं कर रहे थे? नहीं, ये चंपक चाचा मतलब मेरा बापू जी श्री चंपक लाल जयंती लाल गड़ा। पोपटलाल जी, अरे हम लोग आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, सब मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं समझते हो यार। और आपने सुना नहीं है भिड़े जी ने क्या कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि हम जाए और आप हमारे साथ ना आए? देखा मजाक पता ही नहीं चला क्या एक्टिंग की हमने? हा? मजाक नहीं समझते पोपटलाल, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो। कितना बढ़िया एक्टर है हम सब है। मुझे तो लगता है हम सब गलत लाइन में हैं। हम सबको तो एक्टर ही होना चाहिए था। एक्टिंग, वाह वाह। तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर हम जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आ रहे हैं। मतलब पोपटलाल पहले हमारा जाना तो डिसाइड होने दो कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ पहले घर जाकर पत्नियों को मनाना पड़ेगा ना। सही बात है। ओ मेहता साहब,
कोई जबरदस्त आइडिया सोचो ना, ताकि हमारी बीवियां मान जाए और हमको लाउला डांस पार्टी में जाने की परमिशन दे दे। मेहता साहब कुछ तो सोचिए, ये गोल्डन चांस हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार तो लाउला पार्टी में जाना ही है। हाँ। मतलब जाना चाहिए। आइडिया, एक आइडिया है। दसो। इमोशनल ब्लैकमेल। मतलब भावुकता से भय दोहन। मतलब? अरे मतलब जब हमारी बीवियों को हमसे कोई बात मनवानी होती है तो क्या करती हैं? भावुक हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, आंसू बहाती हैं, और हम लोग उनकी भावुकता को देख के उनकी बात मान ही लेते हैं। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो 100% मान जाएंगी। बराबर 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 मेहता साहब, सही बात है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। लोहा लोहे को काटता है। यही यही बराबर है। क्या बराबर है? तुम क्या यार भाई, क्या बोलते हो? तुमको क्या पता? मतलब क्या, इनको सब पता है। चंपक चाचा जी का नंबर है इनके पास। बराबर रख दो। तो ऑपरेशन इमोशनल ब्लैकमेल शुरू। यस। अरे देखो बबीता, ये जेंट्स का प्रोग्राम था, वहां पर हम अपनी वाइफ को लेकर नहीं जा सकते थे, बहुत अनकंफर्टेबल रहता। और फिर तुमको बुरा नहीं लगे इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अय्यर, बुरा मुझे लग चुका है and I'm really upset about it. बबी तो तुम अपसेट मत हो, happy रहो, happy. तभी तो तुम मेरे को पार्टी में जाने का परमिशन दोगी। मैं कोई परमिशन नहीं देने वाली हूँ। बबी तो प्लीज प्लीज बबी तो मैं तुमको चांद पर लेकर जाऊंगा। बबी तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग कोलकाता जाएंगे। Really? Yes, yes, बबीता, हम लोग दुर्गा पूजा में कोलकाता जाएंगे। तुम भी मेरे को पार्टी में जाने के लिए ये तो बोल दो ना, प्लीज 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 बबीता। ओके फाइन, यस, थैंक यू बबीता, थैंक यू। सॉरी तारक, मैं आपको यस नहीं कहूंगी। ठीक है अंजलि, मत बोलो यस। कोई बात नहीं, तुम यस नहीं बोलोगी तो नहीं जाऊंगा ना पार्टी में, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं अंजलि, कोई दुख नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा या तुम यस नहीं बोल रही हो। दुख है तो इस बात का अंजलि कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे। वाह तारक वाह, मुझे धोखा देकर यूरोपियन डांस पार्टी में आप जाओ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ। आपके दिल में मैं नहीं पार्टी है, पार्टी, समझे? नौटंकी नहीं कर रहा हूँ कोमल, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो, एक बिजली सी कड़क जाती है। वही बिजली आज तुम पर गिरेगी। और प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानने वाली। फॉर्मूला नंबर 2। ये क्या प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन नहीं, ये एक मोटे से आशिक का प्रेम पत्र है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़के तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। बंद करो हंस, इस तरह से फिल्मी गानों के शब्द यूज करके मुझे मनाना बंद करो। ओके ओके ओके। फॉर्मूला नंबर 3। ओके ओके ओके, मेरी हैवी डोज विटामिन की गोली जैसी कोमल, तुम तो मेरे जीवन का ऑक्सीजन हो, यूं कार्बन डाइऑक्साइड बन के मुझे मत तड़पाओ। प्लीज मुझे पार्टी में जाने के लिए इस हाथी क्लिनिक से डिस्चार्ज दे दो ना। डिस्चार्ज? अभी तो ट्रीटमेंट होगी कोमल। हस्बैंड वाइफ के बीच सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्लीज कोमल, मुझे मेरे दोस्तों के साथ लाउला डांस प्रोग्राम देखने जाने दो ना।
फॉर्मूला नंबर 4 एंड फाइनल। देखो कमल, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया ना तो मैं तुम्हें उठा के गोल 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 घूमता रहूंगा। चाहे मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, मैं घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा। रेडी, 1 2 3। नहीं, मैं तो तुम्हें उठा के घुमाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उठा के घुमाऊंगा। एक मिनट, तुम जा सकते हो। थैंक यू माय कोमू, सो स्वीट माय कोमू। माधवी, सच कहूं तो शर्म मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसा डांस शो देखने जाना पड़ रहा है आपको? तुम समझ नहीं रही हो माधवी, अगर मैं नहीं गया ना तो गोकुलधाम के सारे दोस्त मुझे गद्दार कहेंगे। वाह, क्या कारण दे रहे हो? नहीं, कारण नहीं दे रहा हूँ माधवी, मैं सच कहूँ तो ये दोस्तों के साथ फालतू लाउला डांस पार्टी में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है ना? हाँ। तो मत जाओ। आप ही तो कहते हो ना कि जिसमें मन नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए। बस। लेकिन माधवी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पे कुछ काम न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। अच्छा, समाज और सोसाइटी की परवाह है आपको, लेकिन पत्नी की परवाह नहीं है, है ना? नहीं नहीं माधवी, तुम्हारी परवाह है मुझे। ठीक है, वैसे भी आज तक लोग कहते ही थे कि आत्माराम तुकाराम भिड़े पत्नी की साड़ी इस्त्री करता है। अब आज के बाद बोलेंगे कि भिड़े पत्नी से डरता भी है। मुझे डरपोक कहेंगे? कहने दो, कल तो मैं बोर्ड पे भी जाके लिखने वाला हूं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डरपोक है। फिर लोग कहेंगे, वो देखो डरपोक भिड़े जा रहा है, वो देखो डरपोक भिड़े आ रहा है। कमाल है, भारत देश को 1947 में आजादी मिली थी, पता नहीं इस देश में पतियों को कब आजादी मिलेगी। आपको आजादी चाहिए ना माधवी? अगर तुम्हारी मन से इच्छा है तो ही मुझे आजादी परमिशन देना, वरना ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है। थंबा, मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। अब जा सकते हैं पार्टी में। काहे? काहे माधवी? थैंक यू माधवी, ये दोस्तों के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। रोशन, कितने जा रही है तू? मेरे मम्मी पापा के घेर। तुझे पार्टी शार्टी करना है ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा के घेर जाना है। ठीक है। हाँ? सोनिया, जहाँ तू जाएगी वहीं मैं भी आऊंगा। आज तुझे फैसला करना होगा, पार्टी या पत्नी। पार्टी? हाँ? नहीं, पत्नी। अरे रोशन मेरी जान, और मैं कहाँ बल्लू की तरह रोज पार्टी शार्टी करता हूँ, और मैं कहाँ हरीश भाई की तरह घर पर लेट आता हूँ, और मैं कहाँ धनंजय भाई की तरह घर पे आके नशे में हंगामे करता हूँ, और मैं कहाँ वो वर्मा जी की तरह घर पे आके बीवी पे गुस्सा करता हूँ। वो एक बार इस पार्टी के लिए हाँ कर दे, फिर मैं पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा। और प्लीज रोशन, मान जाना, प्लीज मान जाओ। पार्टी शार्टी माटे टंडन घेलो छ घेलो। ओए रोशन, घेलो छू पर तारा प्रेम मा छू और तेरा पीछा ना। तू गाना मत गा, पार्टी में जा। परमिशन ग्रांटेड। की कर रही है सोनिया? परमिशन ग्रांटेड। आई लव यू सोनिया, आई लव यू। दया प्लीज, ऐसा क्या कर रही है तू? हाँ कह देना प्लीज दया, प्लीज। ठीक है, आपको जा भूला पार्टी में, विदेशी गोरियों का डांस देखने जाना है ना, जाइए। सच?
आपको मेरी परवानगी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच? दया। सिर्फ बापूजी को बता दीजिए। एडो बाहू में जो बापूजी को गांव में परेशान करो, वो बेचारे मस्त उधर यज्ञ में बैठे होंगे, उनको परेशान करके क्या मतलब है, क्या फायदा है दया है? यहाँ कौन हाजिर है? तू तो जाहिर सी बात है, तुझे ही पूछना पड़ेगा ना मुझे दया। दया अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं आज से कभी जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा। ये तो अच्छा है ना, आपका वजन कम हो जाएगा। आज के बाद मैं कभी टीवी नहीं देखूंगा। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों को साथ में बैठ के बात करने का वक्त मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज के बाद कभी गरबा नहीं खेलूंगा, 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 गरबा नहीं खेलूंगा। अरे वाह बच्चे, टप्पू के पापा ये आप क्या आदर्श कर रहे हो, आप गरबा खेलना कैसे बंद कर सकते हैं? तो क्या करूं दया, क्या करूं? तूने मुझे मजबूर किया है ये प्राण लेने के लिए, गरबा नहीं खेलने के लिए। अगर तू मुझे पार्टी में जाने की परवानगी दे देती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। ऐसी बात है तो अब जाइए, जाइए पार्टी में, रोज जाइए, मैं आपको खुशी खुशी परवानगी देती हूँ। सच दे? थैंक यू दया बाद में, आप पहले अपना प्राण वापस ले लीजिए। ओके दया ओके, मैं अपना प्राण वापस लेता हूँ बस। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। अरे थैंक यू यू। दया इसी बात पे हो जाए गरबा, हो जाए। हेलो अमित जासूरे ला भूला डांस मा, अमित जासूरे ला भूला डांस मा। दया मैं जरा आता हूँ, तू चालू रख, तू चालू रख। टप्पू के पापा जाने वाले हैं, जा भूला डांस मा। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब मिशन सफल, दया मान गई। मिशन सक्सेस जेठालाल, मिशन सक्सेस। अरे जेठालाल हमने तो किस मुकाम पे, क्या बताऊं, अंजलि ने भी हाँ बोल दिए। ओह क्या बात है जेठालाल, एक मिनट जेठालाल, एक मिनट, अय्यर का फोन आ रहा है। मुझे छोटी का फोन आ रहा है। हाँ भाई मेहता साहब गुड न्यूज है, बबीता ने मेरा को यस बोल दिया है। अरे इधर भी गुड 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 न्यूज, अरे दया भाभी ने जेठालाल को और अंजलि ने मुझे हाँ कह दिए। वेरी गुड वेरी गुड। ओए जेठाफरा अपना मिशन सक्सेसफुल। मेरा भी। ओए अब लाउला पार्टी में चमके, धमाल ही धमाल करेंगे, मोचा ही मोचा करेंगे। ओए तुसी भी लक्की, असी भी लक्की, अब मेरी प्यारी रोशन मान गई। बड़े मास्टर हमने अपनी भोली पत्नियों को पटाया और वो पट गई, अब हम लोग पार्टी में जा सकते हैं। हाँ हाथी भाई, पहली बार माधवी की जगह मैंने पापड़ बेले। कैसे उसको पटाए मैं ही जानता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ कल का इंतजार है। क्या मजा आने वाला ये लावला पार्टी में।
सही बात है। रुको रुको, मैं जेठा भाई को भी लाइन पे लेता हूँ। अरे मेहता साहब, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? मेरी सारी बहनों ने हाँ कही कि नहीं? जेठालाल, कल हम सब लोग लाउला पार्टी में जाएंगे। अरे वाह, बबीता जी भी मान गए, वाह वाह वाह। एक मिनट, पोपटलाल का फोन आ रहा है। हाँ पोपटलाल। अरे जेठालाल, पता चला है कि सभी पत्नियों ने हाँ कह दी है। हाँ, सिवाय तुम्हारी पत्नी के। अरे सॉरी, तुम टाइम पे बिल्कुल जीप लेके सबको पिकअप करने आ जाना, हाँ भूलना मत। ओ मेहता साहब, तुसी फिकर ना करो, और उससे पहले अपनी प्यारी प्यारी भोली पत्नियों की जय।